क्या है ये घोल? क्यों हम नेटफ्लिक्स सीरीज में एक घोल शब्द को देख रहे हैं, जहां पर हम यूट्यूब में देख रहे हैं कि एक हाथ है, एक अजीब से चेहरे वाला इंसान है, और इसको जो है निभा रही हैं राधिका आप्टे और बेहतरीन एक्टर मानव कौल। नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि आखिरकार इस घोल शब्द का मीनिंग क्या है, कहां से ये ओरिजिनेट हुआ। ये घोल जो सीरीज लेकर आया है नेटफ्लिक्स, जो कि इंडिया की दूसरी ओरिजिनल नेटफ्लिक्स सीरीज है, उसका दरअसल मतलब क्या है। सबसे पहले अगर आपने नहीं देखी ये सीरीज तो इट्स वर्थ वॉचिंग। देखिए जाकर, एक अलग ही कॉन्सेप्ट के साथ, एक अलग ही पिशाच के साथ हमें इंट्रोड्यूस किया है नेटफ्लिक्स ने घोल को। दरअसल इसमें तीन एपिसोड हैं, ठीक है। राधिका आप्टे इसमें मेन किरदार में हैं और मानव कौल हैं, उसके साथ साथ बाकी के जो सपोर्टिंग कास्ट हैं उन्होंने भी अच्छा काम किया है। इस सीरीज के अंदर घोल आता है और घोल जो है इंसानी बदला लेता है। चलिए, घोल जो शब्द है इसका जो ओरिजिनेट हुआ है ये अरब से हुआ है। जिस तरह हिंदू मान्यताओं में पिशाच होते हैं, राक्षस होते हैं, दानव होते हैं, ठीक उसी तरीके से अरबी मान्यताओं में होते हैं घोल, बेसिकली घुल, घुल नाम से होते हैं ये। और इनका जो ओरिजिनेट हुआ है वो पाताल से हुआ है, मतलब कि धरती के अंदर जहां पे पाताल होता है वहां से ये आते हैं। ये आग में भी रह सकते हैं और इंसानों के बीच में भी रह सकते हैं। इनके चेहरे अलग अलग होते हैं। ये जब कभी भी इंसानी मांस को खाते हैं, तो इंसानी या फिर पशु मांस को भी खाते हैं, तो ये उस तरीके के अपने आप को डेवलप कर लेते हैं, जैसे एक छिपकली, एक कैमेलियन जो होती है, कैमेलियन, जिस तरीके से कैमेलियन जो अपना रूप बदलती है, ठीक उसी तरीके से ये उस इंसान का जिसका ये मांस खाते हैं उस तरीके के ये बन जाते हैं। एक किताब है, बताता हूं आपको, असातीर की जमालियत हिस्सा दोयम, जिसको लिखा है डॉक्टर शकिल्लो रहमान ने। उन्होंने अपनी बुक में पहली बार जिक्र किया घुल का, और ये उन्होंने बताया कि अरबी जो इस्लाम के आने से पहले, यानी कि 570 AD से पहले घुल हुआ करते थे, जो कि समाज में रहते थे, जो कि इंसानी मांस खाते थे और अपने चेहरे, अपने रूप बदलते रहते थे। हालांकि इनका कोई प्रॉपर जिक्र नहीं किया है, सिर्फ कहानियों के हिसाब से ही इनको दर्शाया है, लेकिन आपने अगर इंडिया के अलिफ लैला में देखा होगा तो उसमें भी घुल आते हैं और अलग अलग तरीके की हरकतें करते हैं। सीरीज के अंदर, यानी कि नेटफ्लिक्स की सीरीज के अंदर, हमने देखा कि किस तरीके से घुल को बुलाया जाता है। जब कभी भी एक इंसान अपने खून का सेक्रीफाइस करता है, अपने खून से और अपने दर्द से बुलाता है घुल को, तो वो दौड़ा दौड़ा चला आता है और वो है इंसानी रूप बदल लेता है। अगर आपने नेटफ्लिक्स सीरीज देखी होंगी तो आपको डेफिनेटली डर लग जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। तो अगर देखा जाए, अकॉर्डिंग टू द किताब असातीर की जमालियत हिस्सा दोयम, घुल एग्जिस्ट करते हैं पृथ्वी पे, और ये जो आए हैं ये अरब से आए हैं। इंडिया में जो है घुल को पहली बार इतने बड़े पैमाने पर लेकर आया है नेटफ्लिक्स। और अगर आप नेटफ्लिक्स देखेंगे तो आपको जो है बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि ये इंसानी मांस को खाते हैं, जानवरों के रूप में भी ये बदल जाते हैं, पेड़ पत्थर भी बन जाते हैं ये घुल। तो आप कभी भी ध्यान रखिएगा, खून से एक अजीब तरीके का अगर निशान बना होगा तो कहीं ये घुल के लिए बुलावा तो नहीं है। वेल, ये जस्ट किडिंग, लेकिन फिर भी आप देखिए नेटफ्लिक्स की ये सीरीज और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसी लगी ये सीरीज, क्या आपको घुल को देख के डर लगा या नहीं लगा, कमेंट सेक्शन आपका है जरूर बताइएगा। और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग बातों के लिए मैं हूं ना यार, आपको अपडेट करता रहूंगा।